नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी विल्ड किचन से। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ गर्मियों की शुरुआत में फलों के राजा के साथ में मैंगो शेक। पर इसके अंदर में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हुए इसके अंदर में मैं डालूँगा ये थोड़ा सा बनाना, ताकि इसकी प्रॉपर्टी और अच्छी बैटर हो जाए और ये और अच्छा थिक और स्मूथ हो जाए। आम लिया है मैंने, मैं सिर्फ इसके अंदर में सिर्फ 3 गिलास ही शेक बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने सिर्फ आधा आम ही लिया है, पूरा आम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बस ऐसे ही काट के इनको मैंने रफली रैंडमली ही काट लिया। और साथ में डालूँगा मैं ये थोड़े से बादाम। और अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये मेरे सारे के सारे आम गए मेरे मिक्सी में। और साथ में ही ये गए मेरे थोड़े से बादाम, और थोड़े से बादाम मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लिए। तो बस कुछ नहीं, अब इसमें जाएगा दूध और उसके बाद में इसको मैं शेक करूँगा। और इसमें मैंने लिया है ये 1/2 लीटर दूध, और ये गया मेरा सारा दूध। और दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें चीनी डालना ना डालना आपके ऊपर है कि आप कैसे कितनी चीनी पीना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में इनकी नेचुरल स्वीट्स काफ़ी अच्छी हैं और आम बहुत ही मीठा और पका हुआ आया है। तो बस मैं अभी इसको मिक्स करके आपसे मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। ये देखिए अभी कैसा लग रहा है ना, और अभी घूमते ही कैसा प्यूरी हो जाएगा। ऐसे में ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा दूध और डाल लीजिए। ये गई मेरी थोड़ी सी आइस, ऑप्शनल है। और ये देखिए, ये गया मेरा मिल्क शेक, कितना स्मूथ बना है ना, ये देखिए। और ये देखिए, थोड़े बहुत चंक्स बीच में आ रहे हैं, आने दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और ऊपर से गए ये मेरे थोड़े से बादाम। तो ये तो हुआ मेरा आज मैंगो बनाना मिल्क शेक। आप इसके अंदर में अपनी इनोवेशन से और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसके अंदर में रूह अफ़ज़ा, रोज़ का शरबत, वो भी आप इसके ऊपर में ड्रिप कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक आता है। तो मिलता हूँ कल नए शेक, नई रेसिपी, नई टिप, नई ट्रिक के साथ में। तब तक आप भी गर्मी को ऐसे ही मात देते रहिए और अपनी सेहत बनाते जाइए। तो बस शुरू हो जाइए। शेफ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। बस जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो मिलूँगा कल, तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मौज मनाते रहिए और पचाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।